एआई का यूज़ करके अगर व्हाट्सएप पे कभी कॉल आ जाए, वीडियो कॉल आ जाए, तो आप उसको ज़रूर इग्नोर करना है, क्योंकि हमेशा की तरह अभी ऐसा ज़माना नहीं हुआ है कि वो एआई की मदद से हर लोग बहुत सारा फ्रॉड करते हुए आ रहे नज़र आते हैं। अभी तो एआई आए तो एआई की मदद से हर लोग किसी ना किसी के फ्रॉड पे फंस जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि अपना ही रिलेटिव के फेस लगाकर अपने को वीडियो कॉल करके उसके आवाज़ में बात कर अपने बैंक अकाउंट की जो प्राइवेसी होती है उसको लेकर वो अपना ही बैंक अकाउंट में जो राशि होती है वो खाली कर देते हैं। इसीलिए क्या करना है, व्हाट्सअप कॉल आ जाए तो क्या करना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, तो इस तरह का अगर फ्रॉड कॉल आ जाए तो आपको क्या करना है, किस तरह से आपको बात करना है या कैसा करना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए, तो मेरा नाम है अनुरू मेहता। अगर आपको व्हाट्सएप पे ऐसा कभी कॉल आ जाए तो आपको सोचना है, इसकी आपको को कभी वीडियो कॉल आती है या काफ़ी दिनों के बाद आती है तो इसको आपको पहला सोचना है। तो अगर आप ऐसे शख्स को, ऐसे अपने दोस्त को अगर हर रोज़ वीडियो कॉल नहीं करते, कभी के बार भी नहीं वीडियो कॉल करते और बीच में उन्होंने अगर गलती से आपको वीडियो कॉल किया है, तो आपको पहले सोचना है कि ये आपको वीडियो कॉल कभी करता नहीं, करता है तो सिंपल कॉल करता है, लेकिन अगर इस बार अगर वीडियो कॉल किया है तो आपको सोचना है इसको वीडियो कॉल को इग्नोर करना। ऐसे ही केरल में एक शख्स को कॉल आया था और उसको फ्रॉड के मुताबिक उसको पूरा लूट लिया, तो क्या हुआ है उसकी हकीकत भी जान लेते हैं इस वीडियो। अब तक अपने बैंक अकाउंट में कॉल आता है, नौकरी देने के बाद भी कॉल आता है, मतलब नौकरी देने का कोई इरादा करते हैं, कुछ बैंक में नौकरी लगवाने का जो कुछ बात कहते हैं, उसके बाद में जो पैसा भरने के लिए होता है उसके पहले ये इस तरह का फ्रॉड आपको सुनने को मिल रहा है। तो अभी AI आएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके वजह से AI का फ्रॉड है वो इसके साथ उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे फ्रॉड दुनिया में बढ़ गए और इंडिया में भी ज़्यादा बढ़ गए, महाराष्ट्र में ज़्यादा बढ़ गए। तो आपको क्या करना है, क्या हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके, मतलब AI का इस्तेमाल करके उन्होंने उसका फ्लेस और उसने उसके पुराने फ्रेंड का लगाकर उसने वीडियो कॉल किया था, बात भी किया, अपनी पूछताछ किया, हालात पूछा किस तरह से कैसा है, उसके बाद में उसने पैसों की मांग उसके दोस्त के साथ किया। बाद में जब इस बात का जब पता चला कि साइबर फ्रॉड ये कॉल था, उसके बाद में उसको पता चला, लेकिन उसका तब तक अकाउंट खाली हुआ था और जिसने कॉल किया था उसने AI की मदद से कॉल किया था। ये तो AI की मदद से ये वीडियो कॉल करते हैं, उसके बाद में आपको किस तरह से अपनी शिकार बनाते हैं, यानी कि आपको इमोशनल करते हैं, जैसे कि अपना फ्रेंड है, कुछ भी है, ऐसा करके आपको फ्रॉड बन करने का, मतलब आपको एक इमोशनल करके ये पैसे आपसे उखाड़ लेते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना है, एक ध्यान से सुनिए। इसे समझाते हुए साइबर एक्सपर्ट पवन दुगल ने बताया है कि AI का इस्तेमाल अच्छी तरीके से भी होता है, अच्छे लोग अच्छा काम के लिए भी करते हैं, बुरे लोग जो है वो ऐसा गलत काम के लिए करते हैं। तो आपके ऊपर है, डिपेंड किस तरह से लोग किस तरह से AI का इस्तेमाल करते हैं। अभी हालांकि एक लड़की का वीडियो वायरल होता है, जो कि एक साउथ की जो हीरोइन थी उसका फेस लगा कर एक दूसरी लड़की का फेस लगाया था। उसके बाद में अर्जुन तेंदुलकर का भी हुआ था, जहाँ पर उसकी बहन सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर का अर्जुन तेंदुलकर के फेस के ऊपर शुभम गिल का फोटो लगाया था, लेकिन वो सारा तेंदुलकर के साथ गले लगाया था, ऐसा दिखाया गया था, ये भी वायरल हो गया था। ठीक है, जब ये फ्रॉड कॉल आता है उस पर AI का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता जाता है। तो AI का पूरे पूरे यहाँ पर एक फ़ायदा उठाया जाता है। उसके बाद में AI की तरफ से आपको जो कॉल आता है, मतलब AI का इस्तेमाल करके जो कॉल आता है, उसमें आपको पूरा भरोसा उसके ऊपर हो जाता है। उसके बाद में आप उसके ऊपर भरोसा करते, बाद में बोलते पैसे भेजना है तो पैसा भी आप भेज देते, उसके बाद में आप बड़ी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। अभी के ज़माने जैसे ही AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे कि आ चुका है, उसी के साथ साथ दुनिया भर में लोगों को फ्रॉड में ज़्यादा लोग फ्रॉड के शिकार बन रहे हैं। तो इसीलिए बचने के लिए और सावधान रहने के लिए हमें सतर्क करना बेहद ज़रूरी, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको भी समझ आ सके कि इस तरह से फ्रॉड होता है दुनिया में और हो रहा है। तो इसमें अगर कॉल आ जाए तो कैसे गलत की पहचान करने का, किस तरह से आप गलत की पहचान कर सकते हैं, ये ज़रा ध्यान से सुनो, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ कभी कॉल आया है तो आपको क्या करना है, ये कॉल सच्चा है या झूठ है या किस तरह का फेक कॉल है, किस तरह से करना है, तो उसके लिए एक पवन कुमार ने जो साइबर के एक्सपर्ट है उन्होंने क्या बताया, जो ज़रा ध्यान से सुनो। अगर किसी ने आपको वीडियो कॉल किया है तो आपको सोचना है कि ये कॉल अगर आपको किसी दिन करता है, इससे पहले करता था कि बहुत दिन के बाद किया है, इसीलिए पहला सोचना है, उसके बाद में कॉल उठाना है नहीं उठाए वो सोचना है। तो जब भी आपको वीडियो कॉल आता है तो ध्यान क्या देना है, जो अपना लिप्स होता है, लिप्स, तो लिप्स की मूवमेंट है ना, AI की तरफ से अगर कॉल आ जाए, AI का इस्तेमाल करके अगर कॉल आ जाए, वीडियो कॉल फेक कॉल आ जाए, फ्रॉड कॉल आ जाए, तो आपको क्या देखना है, जो लिप्सिंग होती है तो इसको एक साउंड दिया जाता है बात क्या करने का AI की मदद से,
इसीलिए लिपसिंग होती है ना, तो अलग तरीके से आपको उसको मूवमेंट दिखेगा। तो आपको एआई की मदद से जो कॉल आए, मतलब एआई का इस्तेमाल करके जो कॉल आएगा उसमें आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो बातें कर रहा है उसके मूवमेंट अगर आगे पीछे हो जाए तो आपको समझना है कि ये फेक वीडियो कॉल है। तो आपको अगर आपने कॉल उठाया तो उसे तुरंत कट करना है, क्योंकि आपको एआई की मदद से जो वीडियो बनाए जाते हैं उसमें आपको तुरंत फर्क दिखाई देता है और उसका लिप्स की जो मूवमेंट होती है अलग तरीके से होती है। तो आपको ऐसे बचना कैसे है, अगर आपको ऐसा कॉल आ जाए तो आपको तुरंत उसके ऊपर सोचना है। कभी के बार अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद में उसका कॉल उठाना है नहीं उठाना दिखना है। अगर कॉल उठाया तो भी उसके लिप्सिंग जो होती है, जो साउंड होता है, वो उसको ध्यान देना है। उसके बाद में अगर आपको कुछ दिक्कत लग जाए, कुछ डाउट लग रहा है, जो तुरंत कॉल कर देना रहा है देना है। अगर कभी कोई और कॉल आ जाए तो उसको बोलने का अपने सिंपल नंबर से कॉल करो, उसके बाद में उसे बात करो। अगर नया नंबर आएगा तो कॉल उठाना ही नहीं है, नहीं तो आप भी साइबर क्राइम के शिकार बन सकते हैं, साइबर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। इसलिए ये अलर्ट होने के लिए ये वीडियो था। जैसे कि आप वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट कर देना, चैनल बने तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।